कल हुए धुआंधार बारिश के कारण नागपुर जिले में कई तहसीलों में इसका खासा असर देखने को मिला है, जहां कई लोगों का भारी मात्रा में नुकसान भी हुआ है। शनिवार को तड़के 5 बजे से शुरू हुई बारिश ने तांडव मचा दिया। हर तरफ हाहाकार की स्थिति मची हुई थी। 7 घंटे में रिकॉर्ड 232.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। सैकड़ों बस्तियां पानी पानी हो गई। नदी नाले उफनाने लगे हैं। लोगों के घरों में पानी घुसता रहा, पर बचाव कार्य के लिए मनपा के चुनिंदा विभाग के अधिकारी व कर्मचारी ही सड़कों व बस्तियों में दिखे, जबकि अन्य विभाग के अधिकारी छुट्टी मनाते रहे। जोन कार्यालय में बनाए गए नियंत्रण कक्ष पूरी तरह फेल रहे हैं। 23 सितंबर 2023 की घटना से विभाग ने सबक नहीं सीखा है। पूरी यंत्रणा अंबाजरी आसपास की बस्तियों तक सीमित रखा, जबकि पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर नागपुर की बस्तियों में अतिवृष्टि ने नागपुर वासियों को नया जख्म दे दिया है। नागपुर में गुरुवार की देर रात से ही रुक रुक कर हल्की बारिश का दौर शुरू था, पर तड़के 5 बजे के बाद बारिश ने जोर पकड़ा है। बारिश की रफ्तार ऐसी थी कि सुबह 8:30 बजे तक 91.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। उसके बाद भी बारिश की तीव्रता कम नहीं हुई है। सुबह 11:50 तक बारिश का दौर जारी रहा, उसके बाद बारिश की रफ्तार कुछ कम हुई है। शाम 5:30 बजे तक मौसम विभाग ने 141 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की है। ऐसे में महज 7 घंटे में 232.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जो सुबह रेड अलर्ट में परिवर्तित हो गया। 21 जून को मानसून के आगमन के बाद से बादल शांत बने हुए थे, लेकिन 20 जुलाई को ऐसा लगा कि मानो बादलों का ब्रेक फेल हो गया हो, जिससे नागपुर जिले के मौदा, कोही, हिंगना, कर्मेश्वर, उमरेड, भिवापुर आदि तहसीलों में 30 मंडलों में अतिवृष्टि का पंजीकरण किया गया है, जिसकी जानकारी तहसीलदारों द्वारा जिला प्रशासन तक पहुंचाई गई है और जल्द ही उन्हें मुआवजा मिलने की संभावना है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ मनीष टिमरी की रिपोर्ट। बॉस ने मीटिंग बुलाई। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।